आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सी की काउंसलिंग कैसे होती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम से पहले ही इस बारे में चिंतित है कि काउंसलिंग कैसे होगी एडमिशन कैसे होगा तो मैं आपको आज एक ओवरऑल आइडिया दे दूंगी कि काउंसलिंग कैसे होनी है ताकि आपकी कोई भी चीजें मिस ना हो और आपके दिमाग में एक आइडिया रहे कि एग्जाम के बाद हमें क्या करना है ठीक है सो लेट्स स्टार्ट हेलो एवरीवन वेलकम टू स्पार्टअप क्लासेस दिस इज सुमन यादव सी ओ यू की काउंसलिंग कैसे होती है मैं आपको ये बता दूं कि काउंसलिंग एग्जाम के बाद ही होती है मैं ये वीडियो पहले इसलिए बना रही हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं उन्हें एक ओवरऑल प्रोसेस चाहिए होता है माइंड में कि काउंसलिंग कैसे होती है ताकि उस टाइम हम अवेयर रह सके तो मैं आज आपको ओवरऑल आइडिया ही दूंगी काउंसलिंग का ठीक है देखो होता क्या है आप पहले एग्जाम देने जाते हो सी का एग्जाम होता है एग्जाम के बाद ही एग्जाम के कुछ दिनों बाद ही चाहे रिजल्ट निकले या ना निकले कुछ दिनों बाद ही काउंसलिंग शुरू हो जाती है रिजल्ट का वेट नहीं होता है एग्जाम के कुछ टाइम बाद ही काउंसलिंग शुरू हो जाती है आप लोग रिजल्ट का वेट मत करना क्योंकि पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बी ने रिजल्ट से पहले ही अपनी काउंसलिंग शुरू कर दी थी और ख़त्म भी कर दी थी अब पूछोगे ऐसा कैसे तो मैं आपको बताऊं आपको क्या करना होता है काउंसलिंग के टाइम पे अलग अलग यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जा जाके अपने आप को रजिस्टर करना होता है अपनी डिटेल भरनी होती है एप्लीकेशन नंबर रोल नंबर ये सब भरना होता है और जब रिजल्ट आपका आता है तो यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट अपलोड कर लेती है और उस हिसाब से आपको सीट अलॉट हो जाती है तो रिजल्ट से पहले ही काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है दो तीन स्टेप में काउंसलिंग होती है ठीक है पहले स्टेप में आपको रजिस्टर करना होता है अलग अलग यूनिवर्सिटी पे जाके मैं समझाऊंगी थोड़ा सा वेट करो देखो पहले आपको क्या करना होगा फर्स्ट स्टेप में रजिस्टर करना होगा दूसरे स्टेप में आपका रिजल्ट आएगा तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली उन रजिस्टर्ड वेबसाइट्स पे अपलोड हो जाएगा और आपके रिजल्ट के अनुसार अगर उस यूनिवर्सिटी में सीट्स होंगी तो वो आपको अलॉट करेंगे अदरवाइज वहां पे आ जाएगा तो नो कॉलेज अलॉटेड ठीक है थेके? अब आपको रजिस्टर कैसे करना होगा देखो पहले तो ये जानो आप अपना डिसाइड कर लेना कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी पसंदीदा यूनिवर्सिटी है एग्जाम देने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा आपका एग्जाम अच्छा हुआ है कि नहीं अच्छा हुआ है उस हिसाब से आप सोच सकते हो कि आपको दिल्ली मिलेगा कि बीएचयू मिलेगा या बहुत प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही मिलेंगे एक मोटा मोटा तो आइडिया लग जाता है ना कि आपके मार्क्स कैसे हैं अगर आपके मार्क्स एवरेज हैं या एवरेज से अच्छे हैं तब तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी बी एच यू ये सब टारगेट कर सकते हो तो ये सब टारगेट करने के लिए आपको क्या करना होगा आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक्टिव रहना होगा अगर आपको ये सब करना नहीं आता है तो आप मेरे कॉन्टेक्ट में रहना मैं टाइम टू टाइम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहूंगी काउंसिलिंग पे ताकि आपकी कोई भी चीज मिस ना हो ठीक है मेरे कॉन्टेक्ट में आप लोग रहोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा आपको ओके okay? एग्जाम के जस्ट बाद कुछ दिनों बाद से ही आ, अलग अलग यूनिवर्सिटी वाइज पोर्टल शुरू हो जाते हैं आपको किसी यूनिवर्सिटी पे दो सौ रुपए किसी यूनिवर्सिटी पे एक सौ रुपए लगते हैं रजिस्ट्रेशन के जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बताऊं तो दो सौ रुपए लग रहे थे पिछले साल इस साल क्या होगा कोई नहीं कह सकता जब तक ओपन ना हो है ना तो यूनिवर्सिटी वाइज आपको जाके रजिस्टर करना होगा पूरी प्रोसेस मैं बताऊंगी अभी सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि क्या होने वाला है ठीक है एग्जाम देने के बाद आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी पे रजिस्टर करना पड़ेगा अगर रजिस्टर नहीं करोगे तो फिर आपका भले ही रिजल्ट बहुत अच्छा आए कोई मतलब नहीं आपको एडमिशन नहीं मिलेगा ठीक है आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन की जो डेट होती है वो एग्ज़ाम होने के बाद ही रिलीज होगी तो अभी आप मुझसे मत पूछना कि मैम डेट क्या होगी रजिस्ट्रेशन की अभी कोई नहीं बता सकता ना मैं बता सकती हूँ ना कोई और बता सकता है ठीक है बस एक आइडिया समझो कि एग्जाम देने के बाद आपको बहुत एक्टिवली बहुत एक्टिव रहना एग्जाम देने के बाद फुर्सत में नहीं आ जाना है कि रिजल्ट आ जाएगा तब कुछ करेंगे नहीं एग्जाम देने के बाद आप मेरे कांटेक्ट में रहना या फिर जो भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे बार 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 आप जाते रहना और देखना कब काउंसलिंग के लिए पोर्टल ओपन है ठीक है नहीं आता है तो मेरे कांटेक्ट में रहना जब भी पोर्टल ओपन हो जाए उसमें रजिस्टर करके आप छोड़ देना उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा रिजल्ट अपलोड हो जाएगा और आपको कॉलेज अलॉट होगा तो वहां पे टाइम लिख के आएगा कि इतने दिन से इतने दिन के बीच में आप कॉलेज में रिपोर्ट करो अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो आपका जो अलॉटमेंट आएगा तीन से चार दिन या पांच दिन का आपको टाइम देते हैं वो लोग कि कॉलेज में आकर के रिपोर्ट करो अगर आप ऑफलाइन कॉलेज में नहीं जाते हो जैसे मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ आप रह रहे हो जयपुर में तो जयपुर से आपको दिल्ली जाना पड़ेगा जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन होगी जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता जैसे ही कॉलेज मिलेगा आपको कॉलेज में जाना होगा वहां आपको एडमिशन लेना होगा और फिर आपको अपनी क्लासेस शुरू करनी होगी वहां ठीक है तो ये एक ओवरऑल आइडिया था कि कैसे काउंसलिंग होती है जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है ये बस एक आइडिया देने के लिए था क्योंकि बच्चे पहले से ही परेशान हो जाते हैं मेरे पास बीसो कमेंट आ गए थे कि मैम काउंसलिंग के बारे में बताओ इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा ठीक है तो और भी कोई दिक्कत कोई परेशानी रहती है आप मुझे कॉमेंट करो थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है इस समय आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए क्योंकि हजारों में लाखों में मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं मतलब मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स पेंडिंग हो गए हैं प्रेजेंट टाइम में तो थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है कई बच्चे तो एक ही मैसेज बार बार कर देते हैं जिनकी वजह से कुछ बच्चों का मैसेज मैं सीन नहीं कर पाती तो आप लोग ऐसा मत करो एक बार आप मैसेज टाइप करोगे तब भी मैं उतने ही टाइम में रिप्लाई करूंगी जितना आप दस बार टाइप करोगे ठीक है तो अपना भी भला चाहते हो बाकी सब का भी भला चाहते हो तो एक से दो बार मैसेज करो इससे ज्यादा मत करो मैं आपको टाइम टाइम पे रिप्लाई देती रहूंगी और कमेंट करने के बाद एक दो दिन का वेट क्या करो क्योंकि मुझे इतना टाइम लग जाता है रिप्लाई करने में ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय टेक केयर